पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले, सब्सक्राइब करें एनएस नाउ। नमस्कार, एनएस नाउ देख रहे हैं आप। और लखनऊ में कल शासन के साथ बैठक के बाद आज सुशील कुमार यादव, जो उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के महामंत्री हैं, उन्होंने शिक्षा मित्रों को एक बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि इसी महीने के आखिर तक, यानी सितंबर के लास्ट तक, शिक्षा मित्रों को खुशखबरी मिल सकती है। उन्होंने ये कहा है कि इसी महीने के लास्ट तक शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान होने जा रहा है। सारी बातें माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात के बाद साफ हो जाएंगी। अब आपकी स्क्रीन पर उस बैठक की तस्वीरें दिख रही हैं और अब आपकी स्क्रीन पर सुशील कुमार यादव का वो फेसबुक पोस्ट दिख रहा है जिसके माध्यम से उन्होंने ये जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है कि उत्तर प्रदेश के समस्त प्रदेश पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष, जिला कमेटी, ब्लॉक अध्यक्ष, ब्लॉक कमेटी एवं प्रिय शिक्षा मित्र साथियों, आप लोगों ने पिछले दो महीने से 5 सितंबर के कार्यक्रम को लेकर के जो तैयारी, मेहनत की, एक एक लोगों को जागरूक किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार एवं अभिनंदन। साथियों, आप सबकी मेहनत के कारण ही यह धरना सफल हुआ और पूरी उम्मीद है कि इसी महीने के लास्ट तक हमारी समस्याओं का समाधान होने जा रहा है। सारी बातें माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात के बाद साफ हो जाएंगी। संगठन द्वारा शिक्षा मित्र हित में बहुत सोच विचार कर वार्ता के क्रम में धरना स्थगित किया गया, जिसकी वजह से हमारे बहुत साथियों को समस्याओं का सामना करना पड़ा, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य है कि जिस तरह से शिक्षा मित्र का हित हो, वही रास्ता अपनाना चाहिए। इसलिए आप सभी लोग परेशान ना हो, मायूस ना हो, हताश ना हो, निराश ना हो, और आप लोगों ने जो त्याग और परिश्रम किया है, उसका रिजल्ट बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। आप लोगों को हुई असुविधा के लिए मैं क्षमा चाहता हूं और बहुत जल्द एक बड़ा संगठनात्मक निर्णय लेने जा रहा हूं। तो ये भी बड़ी खबर है, जहां पर सुशील कुमार यादव कुछ बड़ा संगठनात्मक निर्णय भी लेने जा रहे हैं। अब वो निर्णय क्या होगा, इसे लेकर के अभी तो स्थिति उन्होंने नहीं साफ की है, लेकिन ये बताया है कि जल्द ही इसी महीने के आखिर तक शिक्षा मित्रों को उनकी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद सब कुछ साफ हो जाएगा, जिसका रिजल्ट शिक्षा मित्रों को बहुत जल्द देखने को मिलेगा। और उन्होंने शिक्षा मित्रों से धरना स्थगित के लिए क्षमा मांगते हुए ये भी कहा है कि बहुत जल्द ही वे कोई बहुत बड़ा संगठनात्मक निर्णय लेने जा रहे हैं। अब वो निर्णय क्या होगा, जिसके लिए उन्होंने जानकारी तो नहीं दी है, हालांकि आप अनुमान लगा सकते हैं क्या कुछ होगा। और आपको जो लगे आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सुशील कुमार यादव की ये बात सभी तक पहुँचे। और एनएस नाउ पर अगर अभी तक आप नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो लेटेस्ट न्यूज अपडेट सबसे पहले पाने के लिए बने रहें। साथ ही इस खबर पर जो भी अपडेट होगी सबसे पहले एनएस नाउ पर आएगी। तब तक के लिए देखते रहें एनएस नाउ।